मैं भी कहता हूं कि अर्श वाले मेरी तौखीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बहुत पहले की बात है, अब वहां पर जबले उमर है और जबले उमर पर वहां अब एक होटल तामीर हो रहा है, सऊदी अरब का वो इलाका है। एक आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो आपने फरमाया कब हुआ? लेकिन इस्लाम लाने से कबल हुआ। आपने फरमाया कि ठीक है, अब तुम इस्लाम ले आए हो, तुम्हारे सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। उसने कहा मेरी बात सुन लीजिए रसूल्ला, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अपने दिल का बोझ हल करना चाहता हूं। आपने कहा कहो तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा या रसूल्ला मेरी एक बच्ची थी, मेरी एक बच्ची थी और मैं उस बच्ची को जब वो 5 साल की हुई तो मैं उस बच्ची को कहा मैं चलो तुम्हें जंगल लेके चलता हूं, और मैं उसको लेकर चला। जनाब स्पीकर तवज्जो चाहूंगा, मैं उसको जंगल लेकर चला। अब मैं इसलिए लेकर चला क्योंकि मेरी इज्जत पर हर्फ आ रहा था कि मेरे घर बच्ची क्यों पैदा हुई। नबी करीम बहुत गौर से सुन रहे थे, सही बुखारी और सही मुस्लिम में इस हदीस को बयान किया, तिर्मिजी शरीफ में बहुत तफसील के साथ। तो उन्होंने बहुत तवज्जो से सुना और कहने लगा मैं जंगल में लेके गया। फिर मैंने एक गड़ा खोदा, गड़ा खोदने के बाद मैंने बच्ची से कहा इसमें लेट जाओ। अच्छा, जब मैं गड़ा खोद रहा था तो रसूल मुझे एक बात याद आई कि वो खोदते खोदते मुझे पसीना आने लगा, तो उसने अपने छोटी सी चादर से मेरा पसीना भी साफ किया और उसके बाद मैंने उस बच्ची को गड़े में डाल दिया और फिर मैंने मिट्टी डाली तो अरबी में उसने मुझसे कहा, तर्जुमा आपके सामने पेश करो, बाबा बाबा मैं मर जाऊंगी बाबा, और मैंने उसको मार दिया। बहुत देर तक खामोशी हुजर रसूल में रही। उसने देखा तो रसूल करीम सल्लम रो रहे थे, खातिमुन्नबीन सैयदुल मुरसलीन शफील मुजनबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुकर्रबीन मुहिब्बुल फुकराए वल गुरबाए वल यतामा मसाकीन। हमें सिखाते हो, हमें सिखाते हो, हम तो खत्म नबूवत के माफ़ी, हमें सिखाते हो। सैयद सकलैन नबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतन फिद्दारैन साहिब ख़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना मौलाए सकलैन अबुल क़ासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। पर दरमियान में ना बोलो, हदीस के दरमियान नहीं बोलो। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया कि उनके ज़ारो क़तार आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू इस्लाम ना लाता तो मैं तुझे सरेआम सबके सामने तेरी गर्दन उड़वाता। यानी मतलब यह हुआ कि नबी करीम ने बहुत पहले बता दिया था कि बच्चियों के साथ जुल्म करने वालों को सरेआम उनकी गर्दन काटी जाएगी। यह उसूल मुतय्यन कर दिया था मोहम्मद मुस्तफा, यह सजा मुतय्यन कर दी। जुल्म करने वाला जनाब स्पीकर कोई सिंफ नहीं रखता, खुदा के लिए उसे मर्द ना कहे, खुदा के लिए उसे औरत ना कहे। जालिम की सिंफ नहीं होती, जालिम की सिंफ नहीं होती, जालिम ना मर्द होता है, जालिम को मर्द नहीं कहते। मेरे भाई ने कहा है फैसल बाटने ने, मैं नामर्द बना दूंगा। अरे वो तो है ही नामर्द, जो औरतों की इज्जत लूटते उन्हें क्या नामर्द बनाऊं, वो तो है ही नामर्द। हम जालिम की सिर्फ मुकर्रर करके माशरे को फिर तकसीम करते हैं। हमें किसी की सिर्फ मुकर्रर नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक उन सजाओं का आया करना है जिनकी जरूरत है। यह वाक्य मोटरवे पर हो या हल्का इन्हें 245 की किसी कच्ची गली में, इसमें यह बहस ही नहीं करनी। बहस हमें यह करनी है कि इंसानियत की तस्दीर हुई, बहस हमें यह करनी है कि हम क्या कर रहे हैं, बहस हमें यह करनी है कि अगर हम रियासत मदीना के दावेदार हैं तो रियासत मदीना में अगर ऐसा वाकया होता तो हम क्या करते। हमें यह करना है, हमें कानून साजी करनी है, हमें असेंबली में बैठकर इस मामले को मिलजुल कर हल करना है। मैं किसी का भी यहां ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मैं बहुत दिल गिरफ्तार हूं क्योंकि उस बच्ची के घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बुनेर से आए हुए पख्तून घराना था, पठान घराना बेचारा जो वहां कमा रहे थे, उमर सादिक उसका वालिद, बहुत प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी। हर बच्ची मासूम होती है, प्यारी होती है, लेकिन जनाब इसमें सोचिए एक पख्तून फैमिली की बच्ची जो
बड़े गयूर होते हैं। मैं अपने तमाम पख्तून भाइयों से कहता हूं, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, एक गयूर कौम है, एक इज्जतदार कौम है, जो आते भी है इज्जत से कमाने के लिए, इज्जत से जीने के लिए, चाहे उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा में जुल्म हो, चाहे किसी भी हिस्से में हो और किसी भी कौम के साथ हो। पाकिस्तान का हर कौमी रखने वाला फर्द मेरा पाकिस्तानी भाई, और मैं ये कहता हूं कि वो बच्ची एक दिन जब उस कमरे में रात भर उसको बंद करके रखा गया होगा और फिर उसको दरिंदगी के साथ उसकी इस्मत दरी करने के बाद उसको जब जिंदा जलाया होगा तो कितनी तकलीफ हुई होगी उस मासूम सी बच्ची मरवा को, जबकि कुरान कहता है इन सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। जब अल्लाह ने दो पहाड़ों को मरवा और सफा को इज्जत दे दी तो फिर उनकी इज्जत क्यों ना उतारी जाए जिन्होंने पहाड़ों के नाम पर इज्जत देने वाले परवरदिगार की पैदा की हुई मरवा को बेइज्जती के साथ उसकी इज्जत दरी की, उनकी इज्जत क्यों ना उछाली जाए, उनकी गर्दन क्यों ना काटी जाए, उनको सरेआम फांसी क्यों ना दी जाए। जनाब स्पीकर, मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं ऑपोजिशन बेंचेस का भी, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पार्टी का, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस वक्त इस दर्द को समझ रहे हैं, जो दर्द को समझकर बात कर रहे हैं और जो नहीं चाहते कि इस वक्त सियासत हो, हम में से कोई नहीं चाहता, और जो इन बातों पर सियासत करेगा माजत के साथ फिर वो सियासत कर रहा है, इबादत नहीं कर रहा, वो इबादत नहीं कर रहा, ये इस वक्त इबादत का मरहला है, और इबादत सिर्फ पांच वक्त परवरदिगार के सामने सर झुकाने का नाम नहीं है, इबादत जालिम और जाबिर हाकिम के सामने कलमे हक कहना भी है, और इबादत अपनी जगह पर रहते हुए जब अल्लाह ताला ने कुव्वत गोया अता की है, और पांच सवाल जब हशर में किए जाएंगे, कहां से कमाया था, कैसे कमाया था, जवानी कहां गुजारी, बोलने का इल्म दिया तो बोले कि नहीं बोले, मा कुंता तकुलु फी हाज़र रजुल, इस रसूल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या जानते हो, उस वक्त हमारी जबाने गुम होकर ना रह जाए, इसलिए हमें अपनी अपनी जगह पर रहते हुए इसको इबादत समझकर अपना हक अदा करना है। मैं इतना कहना चाहूंगा आखिर में, जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान से हाथ जोड़कर मुतालबा करता हूं, बाइसियत इनका साथी, बाइसियत रुकने कौमी असेंबली, इन्हीं का साथी, इन्हीं का भाई हूं, अपनी बहनों का भाई हूं, अपने जब हमारे ऑपोजिशन वाले उनकी बहनों का भाई हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस असेंबली में हम पता नहीं कब रहे, कब तक रहे, क्या रहे, हमें नहीं पता, लेकिन हम जितने दिन भी रहे ये असेंबली एक तारीख बन जाए कि हमने ये असेंबली ने करारदाद मंजूर की थी और बिल बनाया था कि बच्चियों को मैं हर खतन की बात है, बच्चियों की इस्मत दरी करने वालों को सलाम सलाम मौत दी जाए। शुक्रिया जनाब। ताज़ा तरीन न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।